हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिस प्लॉट की साइज है 36x24। 36 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और 24 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। मतलब कि जो हमारी प्लॉट की गहराई है वो 24 फीट है और चौड़ाई है वो 36 फीट है। साउथ और वेस्ट दो साइड रोड है और दो साइड अदर प्रॉपर्टी है। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 36 फीट। 36 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 24 फीट है। 24 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। दो साइड रोड है, साउथ के अंदर भी रोड है और वेस्ट के अंदर भी रोड है, ठीक है, और नॉर्थ और ईस्ट अदर प्रॉपर्टी है। तो चलिए दोस्तों, इसका हमने जो घर का फेस रखा है वो वेस्ट की तरफ रखा है, पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है। तो चलिए इसकी पश्चिम दिशा से, मतलब कि सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर हमने छोटा सा पार्किंग एरिया दे रखा है, जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट बाई 13 फीट। 9 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई के अंदर है और 13 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई के अंदर है। तो यहाँ पर आपकी छोटी कार हो तो अगर पार्क हो सकता है, बाकी आपकी यहाँ पर 2 या 3 बाइक आराम से खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 4 फीट चौड़ाई के अंदर बरामदा है और फिर हमारा घर का मेन डोर आ रहा है, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस दीवार से लेकर इस दीवार तक बीच में 9 फीट की जगह है और यहाँ से लेके यहाँ सामने तक ये हमारा पूरा हॉल रहेगा, ठीक है, डाइनिंग और लिविंग एरिया रहेगा। और इस हॉल के इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 2.5 फीट का दरवाज़ा और टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट × 6 फीट 7 इंच। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 6 फीट 7 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी सामने निकल रहा है। अब इस टॉयलेट से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 2.5 फीट का दरवाज़ा, इससे हम सीधा पार्किंग के अंदर जा सकते हैं और पार्किंग से सीधा यहाँ से घर के अंदर भी आ सकते हैं। मतलब आपको कार व या बाइक खड़ी करके यहाँ से घर से मेन डोर से एंटर होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से भी हो सकते हो, ठीक है। फिर इसके जैसे सामने यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाज़ा, ये हमारा पहला बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट बाई 14 फीट है। 9 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग एरिया की तरफ निकल रही है। अब इस बेडरूम से आप इस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा स्टेयर केस है, यहाँ से आप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.25 फीट बाई 3.25 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। जहाँ पर स्टेयर केस डाउन हो रहा है उसके यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट बाई 9 फीट है। 9 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 9 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा किचन हो गया, जिसकी 3 फीट की विंडो यहाँ दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है, क्योंकि दक्षिण दिशा के अंदर भी रोड है, तो यहाँ पर किचन की 3 फीट की विंडो निकल रही है। अब किचन से वापस बाहर आते हैं, इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा दूसरा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट बाई 12 फीट है। 9 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 1 4 फीट की विंडो सामने निकल रही और 1 4 फीट की विंडो इधर दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास 36x24 प्लॉट का एरिया है। वेस्ट और साउथ दो साइड रोड है और ईस्ट और नॉर्थ अदर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये पश्चिम दिशा हुई, ये हमारा 4 फीट चौड़ाई के अंदर बरामदा, घर का मेन डोर, ये हमारा पूरा हॉल और यहाँ पर स्टेयर केस, पार्किंग, कॉमन टॉयलेट, बेडरूम, किचन और बेडरूम हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, 24x36 प्लॉट के एरिया के अंदर हमने इस प्रकार से इसको डिज़ाइन दिया है। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों में इतना ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।